सर आपका नाम? नरेंद्र चहल जी। सर स्ट्रीट लाइट बनाने में आपने कंप्लेंट की थी, उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है? उसमें धर्म जी आज मैं उपायुक्त महोदय से मिला था। उपायुक्त महोदय ने कहा कि 4 नाम और पेंडिंग थे, वो मांगे हैं, DMC साहब देंगे अभी और उसके बाद इस मामले पर पूरी कार्रवाई होगी। अब देखो 3 महीने से पहले तो कमेटी ने नाम कम भेजे, 7 आदमियों के प्रॉपर नाम नहीं भेजे। कमेटी वाले चाहते हैं यो साहब कि इस मामले को दबाया जाए, मगर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हाईकोर्ट का भी रुख करोगे? हाँ, मैं देखो इस वीक इनकी वेट करके अगर कार्रवाई नहीं करते, इनके ऊपर रिकवरी नहीं डालते, इनकी FIR नहीं होती और उस एजेंसी जो दोषी एजेंसी के अवैज में दोषी हुई है वही एजेंसी आज कार्य कर रही है, उसका टेंडर कैंसिल नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा। जी अभी तक कितने लोगों को नाम दिया और आप अभी कितने मानते हैं, कितने लोगों को और नाम होने चाहिए? इसमें अभी 7 नाम दिए इन्होंने और इसमें 4 नाम पेंडिंग हैं। जी वो नाम अभी दिए ने EO के अकाउंट क्लर्क जो हैं उनके नाम नहीं दिए अभी। जी तो डी साहब कह रहे 4 नाम मांगे हम, उन्होंने 4 नाम DMC साहब को बोला उन्होंने, और DMC साहब नाम मंगवाएंगे, देखो कब तक मंगवाते हैं। पर मेरे को लगता नहीं कि कमेटी वाले ये नाम भेजेंगे, जानबूझकर कमेटी के EO साहब लंबा खेंच रहे ताकि ये घुड़े, बार बार कहते हैं कि हम जाँच करेंगे। एक जाँच के ऊपर ADC की, DC की, लोकल बॉडी की जांच पे ये जांच क्या करेंगे, जब एक जांच फाइनल हो चुकी। DMC साहब ने 7/2 को 5वां लेटर निकाला है जिसमें सबका हवाला दिया पहले वाले लेटरों का, तो उसके बाद भी 7/2 के बाद ये महीना ख़त्म हो गया, 7/3 आने वाले को एक हफ्ते बाद, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं है उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा स्कैन है और इसीलिए कमेटी चाहती है कि इनको बचाया जाए। 5 करोड़ से ऊपर का स्कैन है ये, GST का कम से कम 50 लाख रुपए का घोटाला, जो आज शहर की हर डिवाइडर पे लाइट व्यवस्था, केबल, आर्मड केबल डैमेज पड़ी है, कहीं 10 mm की लगा रही है, कहीं 12 mm की, जितने भी हमारे हाई मास्क टावर हैं उनकी सब की मोटरें इस एजेंसी ने उसके कार्यकाल में बेच खाई। 36 पॉइंट ऑन ऑफ के जहाँ स्कैनर लगे हुए थे, आज वहाँ कुंडियाँ लगी हुई हैं, किसी भी रोड पर आप चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई भी MCB वो कार्य नहीं करी, कोई स्कैनर काम नहीं करा, डायरेक्ट कुंडियाँ लगा रखी है और कई तो पीछे बरसात में गायें मरी, उन गायों की फ़ोटो जो पेपरों में आई जगह जगह पे मैंने खुद जाके देखी, मैंने ADC साहब को जांच में दी थी। उपायुक्त महोदय जो सुजान सिंह थे उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी, इनकी पेमेंटें भी रोकी गई थी उस समय, मगर उनकी अनदेखी करके कमेटी ने इनकी पेमेंटें कर दी। ये बहुत बड़ा स्कैन है और कमेटी के EO साहब इसको कुलदीप मलिक जी दबाना चाहते हैं ताकि ये भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी बच सके। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जो जनता का पैसा इन्होंने गबन किया है, ठेकेदार को पेमेंट की या पैसा ये खा गए, जो डैमेज केबल है, जो डैमेज अपने पॉइंट है 3600 और हाई मास्क टावर की जो सड़े पड़ी है मोटरें, वो कार्य पूरा हो और इनसे पैसे की वसूली की जाए। कितने उस करोड़ का घोटाला है? ये 5 करोड़ से ऊपर का घोटाला है जी। ठीक है। उसमें धर्म जी आज मैं उपायुक्त महोदय से मिला था, उपायुक्त महोदय ने कहा कि 4 नाम और पेंडिंग थे, वो मांगे हैं, DMC साहब देंगे अभी और उसके बाद इस मामले पर पूरी कार्रवाई होगी। अब देखो 3 महीने से पहले तो कमेटी ने नाम कम भेजे, 7 आदमियों के प्रॉपर नाम नहीं भेजे। कमेटी वाले चाहते हैं यो साहब कि इस मामले को दबाया जाए, तो मगर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हाईकोर्ट का भी रुख करोगे? हाँ, मैं देखो इस वीक इनकी वेट करके अगर कार्रवाई नहीं करते, इनके ऊपर रिकवरी नहीं डालते, इनकी FIR नहीं होती और उस एजेंसी जो दोषी एजेंसी के अवैज में दोषी हुई है वही एजेंसी आज कार्य कर रही है, उसका टेंडर कैंसिल नहीं होता तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। जी अभी तक कितने लोगों को नाम दिया और आप अभी कितने मानते हैं, कितने लोगों को और नाम होने चाहिए? इसमें अभी 7 नाम दिए इन्होंने और इसमें 4 नाम पेंडिंग हैं। जी वो नाम अभी दिए ने EO के
अकाउंट क्लर्क जो हैं उनके नाम नहीं दिए अभी जी। तो डीसी साहब कह रहे चार नाम मांगे हम, उन्होंने चार नाम डीएमसी साहब को बोला है उन्होंने, डीएमसी साहब नाम मंगवाएंगे, देखो कब तक मंगवाते हैं। पर मेरे को लगता नहीं कि कमेटी वाले ये नाम भेजेंगे, जानबूझकर कमेटी के ही साहब लंबा खेच रहे, ताकि ये घुड़े बार बार कहते हैं कि हम जांच करेंगे। एक जांच के ऊपर एडीसी की, डीसी की, लोकल बॉडी की जांच पे ये जांच क्या करेंगे, जब एक जांच फाइनल हो चुकी। डीएमसी साहब ने 7/2 को पांचवा लेटर निकाला है जिसमें सबका हवाला दिया पहले वाले लेटरों का, तो उसके बाद भी 7/2 के बाद ये महीना ख़त्म हो गया, 7/3 आने वाले को एक हफ्ते बाद, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं है उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा स्कैन है और इसीलिए कमेटी चाहती है कि इनको बचाया जाए। 5 करोड़ से ऊपर का स्कैन है ये, जीएसटी का कम से कम 50 लाख रुपए का घोटाला, जो आज शहर की हर डिवाइडर पे लाइट व्यवस्था, केबल, आर्मड केबल डैमेज पड़ी है, कहीं 10 mm की लगा रही है, कहीं 12 mm की, जितने भी हमारे हाई मास्क टावर हैं उनकी सबकी मोटरें इस एजेंसी ने उसके कार्यकाल में बेच खाई। 36 पॉइंट ऑन ऑफ के जहाँ स्कैनर लगे हुए थे, आज वहाँ कुंडियाँ लगी हुई हैं, किसी भी रोड पे आप चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई भी एमसीबी वो कार्य नहीं करी, कोई स्कैनर काम नहीं कर रहा, डायरेक्ट कुंडियाँ लगा रखी है। और कई तो पीछे बरसात में गायें मरी, उन गायों की फ़ोटो जो पेपरों में आई जगह जगह पर मैंने खुद जाके देखी, मैंने एडीसी साहब को जांच में दी थी। उपायुक्त महोदय जो सुजान सिंह थे उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी, इनकी पेमेंटें भी रोकी गई जिस समय, मगर उनकी अनदेखी करके कमेटी ने इनकी पेमेंटें कर दी। ये बहुत बड़ा स्कैन है और कमेटी के ईओ साहब इसको कुलदीप मलिक जी दबाना चाहते हैं, ताकि ये भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी बच सकें। हम मांग करते हैं कि जो जनता का पैसा इन्होंने गबन किया है, ठेकेदार को पेमेंट की या पैसा ये खा गए, जो डैमेज केबल है, जो डैमेज अपने पॉइंट है 3600 और हाई मास्क टावर की जो सड़े पड़ी है मोटरें, वो कार्य पूरा हो।